वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा फर्जन की अदायगी दौरान फौत थनर सहाफ़िन ला खसूसी फंड कायम कर ऐलान। पाकिस्तान में पहरियों भेरियों वर्किंग जर्नलिस्ट के कार्डिनों पे वे सहाफ़िन के फर्जन की अदायगी दौरान केतरन ही चैलेंजेस के मुँह दियण पवन है। अज सहाफ़िन फनकार अहम दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो तकरीब के खिताब। निगरान वजीर आजम की मुकररी वारो मामलो आखिरी मरहले में दाखिल थी वियो। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ अगुणे सदर आसिफ अली सरदारी मौलाना फजल रहमान से मुशावत मुकम्मल करी वरती। वजीर आजम शहबाज शरीफ हतमी फैसले लाए ओपोजिशन लीडर से मुलाकात कंदो। वजीर आजम पारा कौमी असेंबली टोड़न लाए अज एडवाइजरी मोकरन जो इम्कान। शहबाज शरीफ से एडवाइस से सदर आरिफ अलवी 9 अगस्त से असेंबली टोड़ी। पीपल्स पार्टी पारा सिंध असेंबली 9 अगस्त 17-11 अगस्त से टोड़ने जो फैसलो। जरियन जो चवण है तो फैसलो पीपल्स पार्टी की आला क्यादत से मुशावरत बाद किया वो। फैसले का पोई सिंध असेंबली के मेंबरन जो थींदड़ ग्रुप फोटो सेशन मुलतवी। आम चूंडू एक या ब महीना देर थी सघन थी। मुल्क में चूंडू नवंबर में थी। बचाव वाले वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ जो परदेही खबरदारी की इंटरव्यू चवे तो 9 अगस्त की शाम जो असेंबली टोड़ी वी जैखा पे आईन मौजिब 90 दिन में चूंडू कराने जरूरी होंदू। मखसूस हालतों में इलेक्शन कमीशन 1 खां 2 महीना देर कर सके तो। अज शाम या सुभाने ताई निगरान वजीर आजम जो नालो फाइनल थी वो। इन वक्त ताई निगरान वजीर आजम लाए कें जो नालो फाइनल ना थे। आईन में दाखिल है तो 2017 के आदमशुमारी से बीहर चूंड नथी थी सके। निगरान हुकूमत 120 दिन में तकबंदी कराइंदी। चूंड मुलतवी न थींदी। निगरान हुकूमत इलेक्शन के यकीनी बणाइंदी। हफीज शेख या बेन नालन से मुशावरत जारी है। एक सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। दहशतगर्दन लाए का भी रियायत ना है। पूरी कौम पाक फौज से गड है। आर्मी चीफ जो वक्त के हिसाब से जवाब सही है। वफाकी घरू वजीर राणा सनाउल्ला जो बयान। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की सजा खिलाफ अपील दाखिल कई वही। अपील ख्वाजा हारिस बैरिस्टर गोहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कई। अपील में इस्तदा कई वही है तो तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट जो फैसलो कानून के खिलाफ है। मरकजी अपील के फैसले तई सजा मुअत्तल कर पीटीआई चेयरमैन की आज़ादी जो हुक्म दिनों वे सजा कलदम करार दिनी वे। 5 अगस्त से एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन के 3 साल कैद 5 साल नाअहल करार दिनों हो। भंज ड्रा बारो केस पीटीआई चेयरमैन की हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त फैसलो महफूज। लाहौर के दहशतगर्दी ठोड़ अदालत में जिना हाउस से भंज ड्रा बिन केसन की बुधनी दौरान पीटीआई चेयरमैन के वकील हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त दाखिल कराई जैसे अदालत फैसलो महफूज कर। कराची के इलाके लियारी में दहशतगर्दन की फायरिंग में शहीद थे रेंजर्स एहलकार की तदफीन। शहीद एहलकार दिलशाद अली की जनाज नमाज पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर में अदा कई वही। जनाज नमाज में घरू सेक्रेटरी डीजी रेंजर्स आईजी सिंध रेंजर्स पुलिस के आला ऑफिसर की भी शिरकत। गुजल दिन लियारी के इलाके बहार कॉलोनी में स्नैप चेकिंग दौरान दिलशाद अली शहीद थी वो हो।
अहमदपुर में अणॼातल हथियार बंदन हथा मारजी वियल सीनियर सहाफी गुलाम असगर खंड जो मड़ हजारे आली नखियन से मिटी माव हवाले कियो वियो। गोठ अमीर बख्श खंड में मुनक़द जनाजे नमाज में अहमदपुर पीर जो गोठ सखर ए खैरपुर के सहाफियन समेत सियासी समाजी अगवाणन इलाके वासन मिटन माइटन के वे अंग में शिरकत। मकतूल जो मड़ पीर शहबाजी कब्रिस्तान में मिटी माव हवाले कियो वियो। जनाज नमाज का अग मकतूल सहाफी जो लाश खैरपुर अहमदपुर रोड जेहा मस्जिद वट रखी एहतजाजी धरणो। पुलिस जो सहाफियन से गाल खातिर का पोई धरणो खत्म। जेकब आबादमी स्कूल चापुड़ किरण सबब शागिर्दन के जख्मी थियणवारो मामलो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर कलहड़ो की अदालत में मामले की बुधनी थी। अदालत जो इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स असिस्टेंट इंजीनियर एंड डीओ प्राइमरी खिलाफ केस दाखिल करण जो हुकुम। टोकरी वेझो गोठ चतोवाहण में नींगर वाह में बुरी फौत थी वयो। फौती नींगर रिजवान अहमद अबड़ो जो लाश घर पहुंचण ते कोहराम मची वयो। खुदाबाद लग गोठ बख्शु चांडियो वासी बिजली जो करंट लगण सबब फौत थी वयो। खुदा बख्श उर्फ पौड़ो चांडियो घर जी बिजली ठाहींदे करंट सबब दम दिनो। खैरपुर की सेंट्रल जेल जो मुलाजिम मीर अहमद फुलपोटो बिन सालन का पुरेसरार नमूने गुम। संदस वारिस परेशान घणी गोल्हा बावजूद पतो न पेजी सक्यो।